हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ पिया श्री राव एंड वेलकम टू पिंक फॉरेस्ट वाला। आज इस वीडियो के अंदर बात होने वाली है आपके बोन के बारे में। यस गाइस, आज के टाइम में बोन डेंसिटी का बढ़ जाना, लाइक 30 से पहले ही बहुत सारे लोगों में बोन डेंसिटी आ गई है एंड आपके टीथ ज़्यादा वाइट नहीं रहते, टीथ स्ट्रॉन्गर नहीं रहते, बहुत सारी कैविटीज़ एंड ये सारी चीज़ें अगर आपको रहती है तो ये वीडियो पूरा आपके लिए होने वाला है। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, आपको सोल्यूशन भी मिलेंगे एंड ढेर सारी चीज़ें जानने को भी मिलेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली बोन डेंसिटी क्या होता है? समय से पहले ही बोन का लिगामेंट जो होता है उनका कमज़ोर हो जाना, बोन का कमज़ोर हो जाना एंड आपको हमेशा जॉइंट पेन्स बने रहेंगे, हर तक जगह दर्द बने रहेगा, एड़ियों में दर्द रहेगा एंड उसी की वजह से आप काम बहुत ज़्यादा नहीं कर पाओगे। साथ ही साथ देखा गया है कि जो कैल्शियम की कमी है आजकल युवाओं के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, खास करके महिलाओं के अंदर। मैं ऑलवेज हर एक वीडियो में बोलती हूँ कि महिलाओं को ज़्यादा डेफिशिएंसी होती है देन मेन, तो महिलाएं ज़्यादा ध्यान दें अपना। एंड बोन डेंसिटी एक ऐसी चीज़ है जो कि एक जब आप उम्र दराज हो जाते हो, जब आप लंबी उम्र में जाते हो देन आपको देखने को मिलती है पहले के टाइम पे, बट आज के टाइम पे इन बिटवीन 25 से 30 के बीच में आपको देखने को मिलेगी। बहुत सारे लोग बोलते हैंगे कि मेरी कमर में दर्द है, मुझे पेन हो रहा है, मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे जो पैर के फीट है वो बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं, किसी के आर्म्स बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप इग्नोर मत कीजिए। इसका मतलब ये है कि आपके शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी है। अगर आपके दांत बहुत ज़्यादा टूटते नहीं कह सकते, अगर बहुत ज्यादा उनमें कैविटी होती है, येलो रहते हैं, हिलते बहुत ज्यादा है एंड आपके दांत जो है परेशान ही करते हैं आपको, लाइक क्योंकि दर्द पेन बना रहता है, तो आपके टीथ भी कमजोर है गाइज, उनके अंदर भी कैल्शियम की कमी है एंड कैल्शियम की कमी से वो कीड़ा लगना बोलते हैं दांत पे, बट वो कीड़ा नहीं लगता, एक्चुअली कैल्शियम की वजह से वो कैविटीज लग जाती है जब आपके दांत के अंदर जो है कोई भी चीज़ फंस जाती है, चिपचिपी चीज़ बेसिकली, देन वो कैविटी क्रिएट कर देती है। वही अगर आपके टीथ स्ट्रोंगर रहेंगे तो वो चीज़ आपको इतना बॉदर नहीं करेगी, आप सब कुछ खा पाओगे। तो आज इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए एक सप्लीमेंट लेके आई हूँ एंड जो सप्लीमेंट है वो एग्जैक्टली सप्लीमेंट नहीं है बिकॉज उसको लेना इतना आसान है। सो आई एम जस्ट टॉकिंग टूडे, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट जेनिथ न्यूट्रिशंस के बोन्स सपोर्ट गमीज के बारे में। एज यू गाइस कैन सी, दिस इज द पैकेजिंग, दिस इज अ टोटली एनवायरमेंटल फ्रेंडली पैकेजिंग, कार्डबोर्ड पैकेजिंग है तो ये बिल्कुल एनवायरमेंट में घुल जाएगा। सो आई रियली रियली लव द पैकेजिंग फर्स्ट एंड सो दिस इज जेनिथ ब्रांड, जेनिथ न्यूट्रिशंस ब्रांड से है। एज यू गाइज ऑलवेज नो आई लव दिस ब्रांड वेन इट कम्स टू सप्लीमेंट, तो इस ब्रांड को मैं बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ बिकॉज इसके सप्लीमेंट बिल्कुल काम करते हैं। ये इस तरीके के सप्लीमेंट बिल्कुल नहीं बनाते कि आपके बस आपने बस वो खरीद लिया है, वन मंथ लिया है, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला है, आप उसको छोड़ दोगे। ये सप्लीमेंट्स डेफिनेटली काम करते हैं। यू कैन गो एंड चेक द अमेजोन रिव्यूज एंड ऑल, आप सब कुछ देखोगे एंड आप डिफरेंट इनकी वेबसाइट भी चेक कर सकते हो अगर आप चेक करना चाहते हो तो। सो दिस इज अ कैल्शियम एंड विटामिन डी। एज यू गाइस नो विटामिन डी की डेफिशिएंसी एंड कैल्शियम की डेफिशिएंसी आज के टाइम में बहुत सारे लोगों को है क्योंकि हम लोग बाहर ही नहीं निकलते हैं, जो बच्चे हैं उनके अंदर भी देखी जाती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी एंड यू गाइस नो आज के टाइम में विटामिन डी बहुत ज्यादा जरूरी है व्हेन इट कम्स टू कोरोना, लाइक कोरोना के चक्कर के कोरोना के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी आप लोगों को ज्यादा हो जाएगी बिकॉज आप मोर देन घर में ही रहते हो तो उसके लिए भी। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बहुत सारी चीजें, हेडेक एंड ये बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। सो दिस इज अ बोन सपोर्ट गमीज, गमीज इन द सेंस क्योंकि ये जो सप्लीमेंट है ये गमीज के रूप में है एंड आई हैव टू फ्लेवर्स लाइक मैंगो वन एंड द स्ट्रॉबेरी वन, मेरे पास दोनों है एंड आई रियली रियली लव इन दिस सीजन मैंगो। स्ट्रॉबेरी वाला मुझे इतना कुछ पसंद नहीं है बट आई लव द मैंगो वन। सो लुक एट दिस, दिस आर लाइक टॉफी एंड आप बहुत ही इजिली इसको खा सकते हो एंड आप इसको अपने बच्चों को भी दे सकते हो, बच्चों को नहीं दे रहे एंड आप इजिली इसको खा सकते हो एंड ये ऐसा है कि खाना खाने के बाद आपने एक मीठा खा लिया हो जैसे। सो दिस इज फॉर हेल्दी बोन एंड हेल्दी टीथ ऑल्सो, ये जो है आपकी विटामिन डी की डिफिशियंसी को भी कम करेगा। सो व्हाट इट डज लाइक, सो लेट्स टॉक अबाउट द प्राइस फर्स्ट एंड द क्वांटिटी। सो इट हैज लाइक अ 45 गमीज, तो ये आपका 45 डेज का डोज हो गया बिकॉज आप दिन में एक बार लोगे एंड ऑल्सो इसका जो प्राइस है वो है 511 रुपीज, बट आप इसको अमेजोन पर एंड ही वेबसाइट पर डिस्काउंट पर परचेज कर सकते हो और ऑब्वियसली हमेशा कुछ ना कुछ डिस्काउंट चलता रहता है। जेनिथ न्यूट्रिशंस है एक नॉन टॉक्सिन ब्रांड है एंड इसके अंदर किसी भी तरीके के प्रिजर्वेटिव्स शामिल नहीं इनमें और इसमें किसी भी तरह के हार्मफुल केमिकल शामिल नहीं होते तो आपके हेल्थ के लिए ओवरऑल बहुत अच्छा है। व्हाट इट डज द परफेक्ट बोन ब्लेंड, इसके अंदर ट्राई कैल्शियम है एंड विटामिन डी है, साथ ही साथ ये वीगन प्रोडक्ट है,
क्रुएल्टी फ्री है, ग्लूटन फ्री है एंड द टेस्ट इज ऑल्सो ग्रेट एंड मैंगो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के अंदर आपको ये मिलेगा। आपको ये 45 डेज का डोज है। आप जब इस पूरे पैकेट को फिनिश करोगे देन यू गाइज रियलाइज कि आपकी जो बोन है वो स्ट्रॉन्ग लगेंगे, आपको कहीं भी दर्द ऐसा एज सच महसूस नहीं होगा। एंड समटाइम क्या होता है, आप डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड के जब आप सप्लीमेंट लेते हो, आई एम टॉकिंग अबाउट कैल्शियम, तो वो आपके जॉइंट के अंदर जाके स्टोर हो जाता है, वो इसके साथ नहीं होगा। एंड अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी है तो आप किसी भी तरीके की दवाइयां खाने से अच्छा आप सप्लीमेंट खाइए एंड सप्लीमेंट आर द नेचुरल थिंग। सो दिस इज अ वेरी रीजनेबल जेनेथ ब्रांड, इज अ क्रुएल्टी फ्री ब्रांड, तो इसके अंदर किसी भी तरीके का हार्मफुल केमिकल नहीं है। यू गाइज यूज दिस एंड आप मुझे अपने रिव्यूज भी नीचे शेयर कर सकते हो। जब भी आप कोई सप्लीमेंट लेते हैं, अगर आप किसी बीमारी से डायग्नोस है तो आप एक बार अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लीजिए, अदरवाइज इस गमीज को सभी लोग ले सकते हैं। तो अगर आपको ये परचेज करना है तो इसके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, मेक श्योर टू चेक देम आउट। एंड ऑल्सो मैं इनकी वेबसाइट का डिटेल्स भी डालूंगी ताकि आप वेबसाइट भी चेकआउट कर सके। एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद। बाय बाय।